यूपी की प्रयागराज सीट, जहां इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी सियासी घराने से हैं। बीजेपी से नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस से उज्जवल रमन सिंह मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के पिता राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। ऐसे में दोनों की पार्टी अपनी जीत के लिए नई नई रणनीति बनाने में लगी है। लेकिन इस बीच बीजेपी की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बैठक तो चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित के लिए की जा रही थी, पर यहां तो बैठक में हंगामा हो गया। आलम ये हुआ कि बीच बचाव करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। पहले एक बार इस वीडियो को देखिए। बैठक के लिए लोगों की भारी भीड़ है, जिसमें व्यापारी और स्थानीय लोग भी शामिल हैं, पर यहां तो स्थानीय विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों ने विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष के काम कर पर सवाल उठाने चालू कर दिए और अपना विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक चुनावी बैठक में कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर बात होने लगी, जिसको लेकर बैठक में शामिल स्थानीय और व्यापारियों का गुस्सा फूट उठा। हंगामे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कुछ सियासी दल इस वीडियो पर बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। हालांकि अपना दल एस के स्थानीय विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने अपने विरोध के दावों को गलत बताया है। मामला प्रयागराज के यमुनानगर इलाके के शंकरगढ़ नगर पंचायत का है। स्थानीय विधायक वाचस्पति और नगर पंचायत अध्यक्ष ने बीजेपी के पक्ष में वोट के लिए शुक्रवार को ये बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में लोगों की समस्याएं सुनने के बजाय सीधे वोट मांगने पर लोगों का ये गुस्सा फूट उठा।